ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। किया है हमारी एनएसयू की टीम ने, बहुत बढ़िया काम किया है। तो शुरू से ही कैंपस और कॉलेजों में एनएसयू का एक तरफा माहौल दिख रहा है। वैसे दो दिन से हमें देखने को मिल रहा है, टिकट के बाद भी कल और आज यही माहौल है, एनएसयू का माहौल दिख रहा है। जीत का आधार आम छात्र है, जैसे विनोद भाई पहले प्रेसिडेंट रहे हैं अभी, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए सेनेटर कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में, तो बच्चों को आस है एक मेरे से, जैसे विनोद भाई ने काम किए हैं वैसे मैं काम करूंगा। उत्तम, फौजी के बेटे हो, छात्र संघ चुनाव हर साल होते हैं, क्या खास रहेगा अध्यक्ष बन गए तो? आप अध्यक्ष बन गए तो मैं एक फौजी का बेटा हूँ, ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मैं ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के लिए 5% आरक्षण की मांग करूंगा परिवेश में। सरकार है तो भी एक सरकार तक मैसेज और सरकार से पैरवी हम करवा सकते हैं। मैंने कमी देखी है वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने भी फील किया वहाँ रही हूँ, तो वहाँ CCTV कैमराज वगैरह इनकी काफ़ी प्रॉब्लम है, और टीचर्स की भी है कि वो रेगुलर क्लासेस में नहीं आते, नहीं आना कि अलॉटेड ही नहीं है, ये चीज़ मैंने खुद नहीं देखी है, क्योंकि मुझे भी टीचर अलॉटेड नहीं थे, तो ऐसी चीज़ें इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। तो अगर मैं इलेक्शन जीतती हूँ, वैसे जीतना तो है ही, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन चीज़ों को करूँ। देखो, मैं लगातार 3-4-5 साल से तैयारी कर रहा था, और संगठन मुझे हर साल मतलब कि बोल रहे थे भाई अच्छी तैयारी करो, इस बार संगठन ने मेरे पे विश्वास जताया है, तो मैं संगठन के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभिमन्यु पुनिया जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने उम्मीद और जो विश्वास मेरे पे जताया है, वो विश्वास और उम्मीद मैं आपकी नहीं टूटने दूंगा, और पूरे NSCI पैनल को इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय से जीत मिलेगी। लक्ष्मी प्रताप खंगारोत, NSCI कमेटी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मुझे टिकट दिया, उसको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका, और उनके इस फैसले पे मैं एकदम खरी उतरूँगी। महारानी की जितनी भी बहनें हैं, मेरी जो बहनें हैं उनको जो भी ज़रूरत होगी, जिस टाइम ज़रूरत होगी मैं उनके साथ हूँ, और महारानी कॉलेज में जितनी भी बहनों को जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सुलझाऊँगी अगर हम जीतते हैं, हम जीतेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्टल में ATM नहीं है, ATM वाली प्रॉब्लम के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि वो होना चाहिए, अगर मैं जीतती हूँ तो वो काम मैं सबसे पहले करवाऊंगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।